सवाल नंबर एक, किस रेस्टोरेंट में लोग अंधेरे में खाना खाते हैं? दोस्तों अमेरिका के ओपेक नामक डार्क डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप अंधेरे में खाने का लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ के सभी वेटर्स नेत्रहीन हैं। डार्क डाइनिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत यूरोप में हुई थी। सवाल नंबर दो, किस देश में इंसानों को जू में रखा जाता था? दोस्तों 1800 से 1900 में ह्यूमन जू काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। इनमें इंसानों को कैद करके पिंजरे में रखा जाता था। ह्यूमन जू के लिए इन काले वर्ण के लोगों को किडनैप करके लाया जाता था। किडनैप करके उन्हें लोकल जू में या अन्य जानवरों के साथ रखा जाता था। सवाल नंबर तीन, दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट किसने बनाई है? दोस्तों मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट बनाई गई है। 2 लाख इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बोतलों को गलाकर इस टी शर्ट को बनाया गया है। इस टी शर्ट की ऊंचाई 77.5 मीटर और चौड़ाई 70.8 है। सवाल नंबर चार, किस देश में मरे हुए लोगों के बाल काट कर रख लेते हैं? दोस्तों चीन के मियाओ के गांव में एक ऐसी परंपरा है कि यदि किसी परिवार या फिर जान पहचान के लोगों की मौत हो जाती है, खासकर महिलाओं की, तो उनके बालों को काट लिया जाता है ताकि उसकी वीक जैसी टोपी बनाई जा सके, जो पूर्वजों की याद में विशेष त्योहार पर पहनते हैं। सवाल नंबर पाँच, किस देश में पेड़ पर सिक्के लगे हैं? दोस्तों ब्रिटेन में 1700 साल पुराना एक पेड़ है और इस पेड़ पर के हर जगह पर सिक्के लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ पर लोगों ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए सिक्के चिपकाए हैं। सवाल नंबर छह, रेगिस्तान में इतनी सारी रेत कहाँ से आई? दोस्तों अगर किसी चीज को बार बार बहुत ज्यादा गर्मी से बहुत ज्यादा ठंडी में बदल जाए तो उसके कण झड़ने लगते हैं। इसी तरह रेगिस्तान में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तापमान में बदलाव के कारण चट्टान झड़ने लगती है और रेत में बदलती है। इसके अलावा तेज हवा के कारण भी रेत बढ़ती है। सवाल नंबर सात, किस गांव के घरों में अजीब पानी की टंकियां हैं? दोस्तों पंजाब के जालंधर के पास स्थित उपला गांव है जिसको टंकियों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहां पर सभी घरों के ऊपर अलग अलग आकार की रंग बिरंगी टंकियां बनाई हुई है, जैसे हवाई जहाज, घोड़े, गुलाब कार, बस आदि। सवाल नंबर आठ, किस नदी के ऊपर दूसरी नदी बहती है? दोस्तों जर्मनी के मैगेटबर्ग स्थित इस ब्रिज के ऊपर गाड़िया नहीं पानी का जहाज चलता है। एल्बे नदी के ऊपर बनी इस पुल को देखकर ऐसा लगता है जैसे नदी के ऊपर नदी बह रही है। इस ब्रिज को मैगेटबर्ग वाटर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर नौ, किस आइलैंड के पेड़ों पर हजारों डॉल लटकती है? दोस्तों मेक्सिको सिटी से करीब 17 मील दूर ला इस्ला डे ला मेनोकस नामक आइलैंड है। इस आइलैंड को 1980 के बाद डॉल्स आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि 1990 में पहली बार इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में डरावनी डॉल देखी गई है। सवाल नंबर 10, नर और मादा शिमला मिर्च कैसे पहचाने? दोस्तों 3 बम्प वाली शिमला मिर्च को नर कहते हैं और 4 बम्प वाली शिमला मिर्च को मादा कहते हैं। सवाल नंबर 11, पुलिस थानों में लाखों गाड़ियां क्यों धूल खाती नजर आती है? दोस्तों इसका कारण 150 साल पुराना एविडेंस एक्ट है, जिसके तहत जिस गाड़ी से अपराध जुड़ा हो तो वह केस प्रॉपर्टी बन जाती है और जब तक केस का निपटारा न हो तब तक उसे पुलिस की सुरक्षा में रखा जाता है। जब यह कानून बना था तब लोगों के पास साइकिल तक नहीं होती थी, मुकदमे भी इक्का दुक्का होते थे, इसलिए यह नियम चल गया। लेकिन आज इंसानों के पास ज्यादा गाड़ियां हैं। सवाल नंबर 12, किस देश में खूनी तालाब है? दोस्तों जापान में ब्लडी पोंड के नाम से मशहूर इस तालाब में तैरना मना है, क्योंकि इसका तापमान 194 फ़ारेनहाइट रहता है। इसका पानी एकदम लाल रंग का है। पानी लाल रंग का होने के कारण इसका नाम खूनी पोखर है। सवाल नंबर 13, किस देश में न हंसने पर जुर्माना लगता है? दोस्तों दुनिया में हर देश के अपने अपने कानून हैं, लेकिन इटली के मिलान शहर में अगर आप स्माइल करते हुए नहीं दिखे तो फाइन के रूप में आपको मोटी रकम चुकानी पड़ती है। यह कानून अंतिम संस्कार और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर लागू नहीं होता। सवाल नंबर 14, किस गांव के लोग पैरों में कभी चप्पल या जूते नहीं पहनते हैं? दोस्तों मदुरई से 20 किलोमीटर दूर कालीमायन नाम के एक गांव में लोगों ने आज तक पैरों में चप्पल नहीं डाली। यहां के लोग अपाची देवता की पूजा करते हैं। इसी देवता के प्रति आस्था के कारण यहां के लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। सवाल नंबर 15, किस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद उससे पेड़ उगाया जा सकता है? दोस्तों जापान का डेली न्यूज़पेपर द माइशिंग शिम्बुशा ने ग्रीन न्यूज़पेपर लॉन्च किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अक्सर लोग उसे फेंक देते हैं, जिससे सड़कों पर गंदगी होती है। इसलिए माइशिंग कंपनी ने इको फ्रेंडली न्यूज़पेपर बनाया है, जिसे पढ़ने के बाद जमीन में गाड़ कर पानी देने से पौधा उग जाएगा। सवाल नंबर 16, कौन सा व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी पहनता है? दोस्तों पटियाला पंजाब के रहने वाले अवतार सिंह 2115 फीट लंबी पगड़ी पहनते हैं। उनकी पगड़ी 16 या 12 फुट लंबी होती है। 60 वर्षीय अवतार सिंह पिछले 16 सालों से पगड़ी पहन रहे हैं। इस पगड़ी का वजन 45 किलो है।
सवाल नंबर 17, किस देश में लोगों को जिंदा दफनाया जाता है? दोस्तों क्यूबा देश में बुजी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस परंपरा के तहत जिंदा इंसान को जमीन में दफन किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक आदमी को ताबीत में बंद कर दिया जाता है, फिर उसे शहर की सड़कों पर घुमाया जाता है और आखिर में दफना दिया जाता है। सवाल नंबर 18, किस आइलैंड पर 24 घंटे मास्क पहनना पड़ता है? दोस्तों जापान में मियाकिजुमा आइलैंड है। वहाँ के वातावरण में जहरीली गैस की मात्रा बहुत है। इस आइलैंड पर ज्वालामुखी ओयामा से लगातार जहरीली गैस निकलती रहती है। आइलैंड की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत है, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोगों को 24 घंटे गैस मास्क लगाने की चेतावनी दी गई है। सवाल नंबर 19, दुनिया का सबसे बड़ा मार्कर पेन किसने बनाया? दोस्तों केरल के दिलीप ने 5 सितंबर को दुनिया का सबसे बड़ा मार्कर पेन बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है। इस मार्कर पेन से सबसे पहला नाम इंडिया लिखा गया था। सवाल नंबर 20, भारत में किस जगह भाई बहन की शादी की जाती है? दोस्तों छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज में अजीब प्रथा है, जिसमें धुरवा आदिवासी जनजाति में भाई बहन आपस में शादी करते हैं। ज्यादातर इसमें मम्मेरे और फुफेरे भाई बहनों की शादी होती है, और जो परिवार इस तरह की शादी का प्रस्ताव ठुकरा देता है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। सवाल नंबर 21, किस देश में नए साल पर बर्तन तोड़ने का रिवाज है? दोस्तों डेनमार्क में नए साल पर प्यार जताने का बिल्कुल अजीब तरीका है। यहाँ पर लोग नए साल वाली रात अपने पड़ोसियों के दरवाजों पर प्लेट और गिलास तोड़ते हैं। सवाल नंबर 22, सेलिब्रिटीज एक ही कपड़े को दोबारा क्यों नहीं पहनते? दोस्तों ज्यादातर ब्रांड और डिजाइनर सेलिब्रिटीज को कपड़े गिफ्ट करते हैं, जिससे ब्रांड की पब्लिसिटी हो सके। जब सेलिब्रिटी किसी शो में या इवेंट में जाते हैं तो कपड़े भी ऑर्गेनाइज करने वाले ही देते हैं। सेलिब्रिटीज भी कपड़े रिपीट करते हैं, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेलिब्रिटी अपने एक बार पहने कपड़ों को अपने फ्रेंड या किसी करीबी लोगों को गिफ्ट कर देते हैं या नीलामी भी करते हैं। सवाल नंबर 23, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला सांप कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप ब्लैक मांबा है। वह एक घंटे में 17 किलोमीटर चल सकता है। सवाल नंबर 24, किस देश की लड़कियां राइफल लेकर घूमती है? दोस्तों इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। वहां की लड़कियां भी ट्रेंड सिपाही होती है और हर तरह के हथियार चलाना जानती है। इजराइल के नागरिक इलाकों पर भी आतंकवादी हमलों का खतरा लगातार मंडराता रहता है, इसलिए वहां सिविल ड्रेस में भी लड़कियां बंदूक से लैस रहती हैं। सवाल नंबर 25, किस देश के लोग पिंजरे में रहते हैं? दोस्तों हांगकांग में लोग जानवरों की तरह पिंजरे में रहने को मजबूर है। एक पिंजरे की कीमत लगभग 11,000 रुपए है। इन पिंजरों को खंडहर हो चुके मकानों में रखा जाता है। घर न होने के कारण 1,00,000 से भी ज्यादा लोग पिंजरे में रहते हैं, जहाँ एक अपार्टमेंट में 100 लोग रहते हैं और एक अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही कॉमन टॉयलेट होते हैं। दोस्तों अब तक के सभी BTS वीडियोस की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं।